गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपने इन वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हैं। जीके में हमने पीछे पढ़ा था ट्रैफिक लाइट्स के बारे में। सो टुडे वी विल रीड अबाउट मंथ्स ऑफ द ईयर इन जीके। आज हम जीके में मंथ्स ऑफ द ईयर्स को पढ़ने वाले हैं। या मैं आपको कह दूं कि मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर यानी कि साल के महीने, यानी कि मैं आपसे कह सकती हूँ कि वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने शुरुआत से करते हैं। देखिए डियर, अगर हम शुरू करते हैं ईयर, वन ईयर, तो हम आपसे क्वेश्चन करें कि वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, मंथ्स में कितने वीक होते हैं, वन वीक में कितने डेज होते हैं और डेज कैसे बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेज की। 24 आवर्स मेक्स अ डे, यानी कि 24 आवर्स जो होते हैं वो मिलके एक दिन बनाते हैं, यानी कि 24 घंटे में एक दिन हो जाता है, यानी कि एक दिन में हम कहें तो 24 घंटे होते हैं, एक ही बात है। इट मीन्स 24 आवर्स मेक्स अ वन डे। 24 आवर्स क्या है, एक दिन बनाते हैं। अब 7 डेज जब बन जाते हैं, 7 डेज का जो पीरियड होता है हमारे पास में, उस 7 डेज के पीरियड को हम कहते हैं वन वीक। और इसी तरह से 4 वीक जब बनते हैं तो 4 वीक के बनने के बाद में वो बन जाता है वन मंथ, यानी कि वन मंथ में आ जाएंगे 4 वीक। अब आगे पास आ गया मंथ। अब जो मंथ्स होते हैं उसमें जो डेज होते हैं, वीक तो उसमें 4 माने जाएंगे, लेकिन डेज क्या होते हैं, कोई तो ऐसा मंथ है जिसमें डेज होते हैं 30, किसी में होते हैं 31 और कभी 28 तो कभी 29 भी हो सकते हैं। तो आज हमें अपने इस वीडियो में ये क्लियर कर देना है कि कौन सा मंथ है, उसमें कितने डेज होते हैं और हम उन्हें किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा हमारा वे होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज़ मंथ्स ऑफ द ईयर, इट मीन्स साल के महीने। सो फर्स्ट इज़ वी कैन से देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर, देयर आर 12 मंथ्स मंथ्स देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, और आपका आंसर होगा देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथ से। फर्स्ट जो हमारा मंथ है, पहला जो हमारा मंथ होगा, नंबर वन पे जो आएगा फर्स्ट, एंड फर्स्ट मंथ इज जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई। ये है हमारा फर्स्ट मंथ। ये एंड वी कैन से द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, यानी कि साल का जो पहला महीना होता है वो जनवरी का होता है। जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड जनवरी हैज 31 डेज। जनवरी में कितने डेज होते हैं आपके पास में, 31 डेज। नाउ नंबर सेकेंड, टू नंबर पे हम कर देते हैं, या हम कहेंगे सेकेंड नंबर पे जो आएगा मंथ, That is February, F E B R U A R Y. That is February. And in February we have 28 days. February में हमारे पास होते हैं 28 days. But इफ़ ईयर इज लीप ईयर, अगर कोई साल लीप ईयर है तो फेब्रवरी में आ जाएंगे 29 डेज। फेब्रवरी में कितने डेज हो जाएंगे लीप ईयर में,
29 डेज। ऐसे तो फरवरी में होते हैं 28 डेज, अगर लीप ईयर होगा तो आ जाएंगे 29 डेज। नाउ नंबर थर्ड इज, थर्ड जनवरी फरवरी एंड देन मार्च, एम ए आर सी एच, एंड मार्च हैज 31 डेज। मार्च में होते हैं 31 डेज, जन फेब एंड मार्च, यहाँ तक आ गया है। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो मंथ्स ऑफ द ईयर जो होते हैं, इनके जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही आएगा। नंबर फोर इज, फोर्थ पे आ जाएगा, फोर्थ एंड फोर्थ इज अप्रैल, ए पी आर आई एल, अप्रैल, एंड अप्रैल हैज 30 डेज, 30 डेज। नाउ नंबर फिफ्थ, फाइव नंबर पे हम बोलेंगे यहां पर फिफ्थ, फिफ्थ मंथ इज मे, एम ए वाई, एम ए वाई मे, एंड मे हैज 31 डेज, मे में होते हैं 31 डेज। नाउ नंबर सिक्स पे जो हमारा आएगा मंथ, वी कैन से सिक्स मंथ इज जून, एंड जून हैज 30 डेज। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स, नंबर सेवन, एंड सेवन नंबर पे जो हमारे पास है सेवंथ मंथ इज जुलाई, जे यू एल वाई, जुलाई, एंड जुलाई हैज 31 डेज। देखिए आपने यहाँ तक तो बहुत इजी वे में लर्न कर लेंगे, पहले 31 डेज हैं जनवरी में, फेब में आपके पास 28 और 29 डेज हो सकते हैं, फिर देखिए मार्च में 31 है, अप्रैल में 30 है, मई में 31 है, जून में 30 है, और जुलाई में आ गए आपके पास 31 डेज। अब हमारे पास जो 8 नंबर पे जो हमारा मंथ आता है, या हम कह सकते हैं 8th मंथ इज अगस्त, ए यू जी यू एस टी, दैट इज अगस्त, एंड अगस्त हैज ऑल्सो 31 डेज, अगस्त में भी 31 डेज ही होते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त हैव 31 डेज, यानी जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज ही होते हैं। नंबर नाइन इज नाइन्थ मंथ, एंड नाइन्थ मंथ इज सेप्टेम्बर, नाइन्थ मंथ इज सेप्टेम्बर, एस ई पी टी ई एम बी ई आर, सेप्टेम्बर, एंड सेप्टेम्बर हैज 30 डेज, इट मीन्स सेप्टेम्बर में 30 डेज होते हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 10, टेंथ मंथ इज अक्टूबर, ओ सी टी ओ बी ई आर, अक्टूबर, एंड अक्टूबर हैज 31 डेज, अक्टूबर हैज 31 डेज। नाउ नंबर 11 इज 11 मंथ, एंड 11 मंथ इज नवंबर, एन ओ वी ई एम बी ई आर, एंड नवंबर हैज 30 डेज, नवंबर हैज 30 डेज।
एंड लास्ट मंथ इज 12th नंबर पे जो मंथ आता है दैट इज 12th मंथ एंड 12th मंथ इज दिसंबर डी ई सी ई एम बी ई आर एंड दिसंबर हैज 31 डेज. सो डियर स्टूडेंट्स वी कैन लर्न द मंथ्स ऑफ द ईयर अबाउट ए ट्रिक. हम एक ट्रिक से भी मंथ्स ऑफ द ईयर को लर्न कर सकते हैं. देखिए जो आपका हैंड है इसको आप पा बनाइए, आपके अपनी मुट्ठी बनाना है. अब देखिए आपके यहाँ पर आपके जो फिंगर्स के जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं टिप्स, हम इसके अकॉर्डिंग अपने मंथ्स ऑफ द ईयर को लर्न कर सकते हैं. देखिए जहाँ ऊपर जो टिप्स हैं ये इसका मतलब होता है 31 डेज, और जब हम नीचे चले जाएंगे तो इसका मतलब होता है 30 डेज. या फरवरी में सिर्फ आपको लर्न रखना है कि उसमें 28 डेज आएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. जैन, जैन मीन्स 31, फेब नीचे आ गया है तो इसमें आपको 28 करना है. मार्च, ये देखिए ऊपर आए हैं इसमें 31 है. अप्रैल फिर नीचे आए हैं तो अप्रैल में हमको 30 डेज बताने हैं. मई यहाँ पर आया है ऊपर तो यहाँ पर 31 है. जून फिर नीचे आए हैं इसमें 30 डेज. जुलाई, जुलाई यहाँ पे देखिए 31 डेज है. अब हम दोबारा से यहाँ से शुरू करते हैं. अगस्त, तो ये वापस 31 आ गए. इट मीन्स जुलाई एंड अगस्त है 31 डेज. एंड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर हैज 30 डेज. अक्टूबर, अक्टूबर हैज 31 डेज. नवंबर हैज 30 डेज. एंड दिसंबर, दिसंबर हैज 31 डेज. तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इन डेज का टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टोटल डेज आर 365 डेज. इट मीन्स वी कैन से देर आर 365 डेज इन अ ईयर. एक साल में 365 डेज होते हैं. तो डियर आई थिंक अब आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपके जो डाउट्स थे इस लेसन से रिलेटेड वो भी आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे. अब देखें इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कितने क्वेश्चन बनेंगे. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ ईयर, एंड यू कैन से देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. सेकंड क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड यू कैन से जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. और वी कैन से विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, सो द आंसर इज दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. लाइक दिस आप किसी भी मंथ के बारे में पूछ सकते हैं. जैसे वी कैन से विच इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, एंड द आंसर इज मे इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर. इस तरह से तो ये था आपकी सीक्वेंस में कि सीक्वेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फिर एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, कितने मंथ्स होते हैं जिनमें 31 डेज है. तो देखिए यहाँ तो आपके पास हैं लिखे हुए हैं, तो देखिए हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो वी कैन से 7 मंथ्स हैव 31 डेज. अब आपसे 7 मंथ्स के नेम भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. आपके लिए एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि नेम द मंथ्स दैट हैव 31 डेज. तो हम कौन कौन से 31 में बताएंगे, जैन, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. दीज आर 7 मंथ दैट हैव 31 डेज. अब एक नया क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज, कितने मंथ्स हैं जिनके पास में 30 डेज होते हैं. तो यू कैन से देर आर 4 मंथ्स दैट हैव 30 डेज. और 4 मंथ कौन कौन से आएंगे, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. दीज आर 4 मंथ्स दैट हैव 30 डेज. ओनली फरवरी हैज 28 और 29 डेज. व्हेन द ईयर इज लीप ईयर, जब ईयर लीप ईयर होता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं और इस तरह से फरवरी में होते हैं 28 डेज. तो डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आज आपका क्लियर हो गया है. आई होप आप इसको अच्छे से एक बार और लर्न कर लेंगे. थैंक यू.